राजस्थान विधानसभा के चुनाव इसी साल दिसंबर में होना प्रस्तावित है। इसे लेकर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे लगातार प्रदेश में दौरों पर हैं और जनसंवाद कर डैमेज कंट्रोल करने में लगी हैं। प्रदेश में उपचुनाव में भाजपा को मिली करारी हार के बाद स्वयं मुख्यमंत्री प्रचार में अभी से उतर चुकी हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री के दौरों पर कहा कि यह सब चुनावी दिखावा है। जनसंवाद में मिले आवेदनों को बोरी में भरकर पटक दिया जाता है। चलिए, अब आने वाले चुनाव तक आरोप और प्रत्यारोप का दौर यूं ही रोजाना देखने को मिलेगा। दिसंबर में राजस्थान में चुनाव होने हैं, इसे लेकर दोनों प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस ने जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। वहीं उपचुनाव में राजस्थान में भाजपा को भारी झटका लगा है, जिसमें दो लोकसभा और एक विधानसभा में भारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं कांग्रेस को मिली जीत ने कांग्रेसियों में जोश का संचार किया, लेकिन विकास के दम पर चुनाव लड़ने वाली भाजपा का नारा सबका साथ सबका विकास आखिर उपचुनाव में चित हो गया था। अब दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए मुख्यमंत्री स्वयं लगातार दौरे कर रही हैं, लेकिन क्या जो जनता का आक्रोश उपचुनाव में विधायकों और मंत्रियों के प्रति ज्यादा नजर आया था, वह कैसे कवर हो पाएगा? संभवतः इस बार में 60% से ज्यादा प्रत्याशियों को बदला भी जा सकता है। नहीं, ये जरूरी है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, ये जनसंवाद मैंने पहले भी किया है। 2-3-4 डिस्ट्रिक्ट मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दी है और अभी 2 डिस्ट्रिक्ट को मैंने देखा है। मैं समझती हूँ कि ये बहुत जरूरी है और ये मैं अकेले ही नहीं, MLAs भी हैं साथ में, MPs हैं साथ में, जिलाध्यक्ष भी हैं साथ में, हमारे पूरे कार्यकारिणी और वो सब लोग हैं, हमारे अधिकारी सब लोग हैं, उनसे एक दफ़ा बातचीत भी हो जाती है और हमें ये मालूम हो जाता है कि जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी रह जाती है कहीं कहीं जगह पर, कुछ बन गया परंतु उसका कनेक्टिविटी लास्ट का नहीं रह गया, कुड भी पाइप, इट कुड भी हैंडपम्प, कुड भी एनीथिंग। मैंने ये है कि जब लोगों से बातचीत होती है तो ये दिमाग में आती है और जब वो आती है तो डिपार्टमेंट जो नेसेसरी डिपार्टमेंट है उससे बात करके हम कह सकते हैं कि भाई इसका काम करो। तो मैंने ये देखा है कि 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे चीज जो अदरवाइज रह जाते हैं या कोई इग्नोर कर देते हैं, वो चीज़ें छोटी छोटी जो लोगों को इमीडिएट रिलीफ देती हैं वो काम भी हो जाते हैं। उधर PCC अध्यक्ष सचिन पायलट का कहना है कि प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री के तानाशाही रवैये से नाराज है। जहां भाजपा के विधायक मंत्री जा रहे हैं उन्हें अपने ही कार्यकर्ताओं का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री के होने वाले दौरों पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में जन संवाद सिर्फ चुनावी दिखावा है। इस दौरान उन्हें मिलने वाले आवेदन और ज्ञापनों को बोरों में भरकर पटक दिया जाता है। जनता में आक्रोश है। जो दौरे हो रहे हैं इससे बड़ा पाखंड राजस्थान में नहीं हो सकता। वसुंधरा जी ने पहले भी संभाग के दौरे किए थे, 1.5 लाख आवेदन उनके पास आए थे। मैं तो चाहता हूं कि सरकार एक श्वेत पत्र जारी करे कि जितने आवेदन हमको मिले थे, बोरियां की बोरियां मिली थी उनको, उन आवेदनों को क्या हुआ। अभी भी जो मुलाकात हो रही है मुख्यमंत्री जी से, वो सरकार और नेता किसी व्यक्ति को अप्रूवल देते हैं वही व्यक्ति मुख्यमंत्री से मिल पा रहा है, तो जनसुनवाई नहीं है, ये तो खाना पूर्ति का काम है। और क्योंकि दिल्ली में शायद भाजपा के नेता इस सरकार से नाराज हों, ये दिखाने के लिए वो कितना सक्रिय हैं, जिले के दौरे कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी का जो सीकर जिले का दौरा रहा बिल्कुल फेल रहा, लोगों में और संतोष बढ़ा है। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, जितना ज़्यादा मुख्यमंत्री जी दौरे करेंगी मैं समझता हूँ उतना ज़्यादा कांग्रेस का ग्राफ बढ़ेगा और बीजेपी की वोट।